अच्छा जी, मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं कुछ को डाउनलोड होने में, तो मैं बता देता हूँ अभी बारी बारी सबका। अच्छा, कुछ का मसला है कि जी आपने आपको मैंने कहा था सबसे पहले कि आप सब ने वीडियो देखनी है जो आपको मैंने आपको ग्रुप में सेंड की थी, ठीक है। उस ग्रुप में हर एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था, तब आप जाके आराम से अपने जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कुछ को प्रॉब्लम क्या आ रही है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया हमने, लेकिन उसके बाद जो वो वायरस थ्रेट वाला वो नहीं मुझे नज़र आ रहा, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह अपने वो जो एंटीवायरस है या जो आपके जो फायरवॉल है उसको बंद करना है, ठीक है। जी शेयर बानो, मुझे ज़रा अलाउ कीजिएगा स्क्रीन शेयर करने में। शेयर बनो, मुझे अलाउ कीजिएगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। जी ठीक, सबको स्क्रीन नजर आ रही है। जी ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये सर्च बार है नीचे आपके क्या नाम लिखा डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है विंडोज डिफेंडर, ठीक है, या विंडोज सिक्योरिटी आ गया, चलो ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखें ये वही चीज़ खुल गई है, ठीक है। आपने इसको क्या नाम लेते हैं ओपन किया, इसके बाद देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें ये है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना है, मैनेज सेटिंग्स को ओपन करना है। अब देखें यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन जो वीडियो में दिखाई दे रहा था सारा कुछ वही आ गया है, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिक सैम्पल सबमिशन, ये तीनों चीज़ें वीडियो के अंदर उसने बंद की थी। आपने इसको ऑफ कर देना है, यहाँ पे भी इसको भी ऑफ कर देना है और इसको भी ऑफ कर देना है, यहाँ से डिसमिस कर देना है, ठीक है। तब आपका जो फायरवॉल होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर अब आपके अपने कंट्रोल में हो जाएगा, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। यानी एंटीवायरसेस जो हैं, अगर आपके पास, हाँ अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है, मसलन अवास्ट एंटीवायरस अगर आपके पास, उसको आप ओपन करेंगे उसको बंद कर देंगे, यानी कि उसको शट कर देंगे या उसको क्या नाम लेते हैं उसकी वर्किंग को रोक देंगे, ठीक है। अगर एंटीवायरस ओपन हुआ तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो की होती है या पासवर्ड होता है वो कोई भी एंटीवायरस जो है वो उसको डिलीट कर देता है खुद ही, ठीक है। क्योंकि ये डिफेंडर इसलिए क्या है, अगर हमारी फौज की सरहदों पे फौज खड़ी है तो दुश्मन का कोई फौजी अंदर आ जाए उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो यही चीज़ होती है कि जो डिफेंडर काम करता है। जिस जिस का इशू आ रहा है वो चैट के अंदर बताए। जिसके लैपटॉप में वायरस एंटीवायरस ना हो कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ दो चीज़ें होती हैं, जो ये एक चीज़ है ना जो स्क्रीन पे शेयर हो रही है, ये कंप्यूटर का अपना एंटीवायरस है जो विंडोज़ डिफेंडर है, ठीक है, ये अपना एंटीवायरस है इसका, ठीक है। अगर आपने अलग से एंटीवायरस करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ का ये अपना एंटीवायरस है जो बहुत अच्छा एंटीवायरस है, ठीक है। लोगों को भरोसा नहीं होता इसके ऊपर, इस वजह से वो दूसरा एंटीवायरस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, विंडोज़ का अपना एंटीवायरस है, आप इसको क्लोज़ कर लें। जैसे ये तीन चीज़ें क्लोज़ कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एंटीवायरस है तो आपको ये भी क्लोज करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, और आपको एंटीवायरस भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, जी नादिया खान एक मिनट है, लेकिन मैं देखता हूँ। हाँ जी, अच्छा आपकी ये चीज़ आ रही है सामने।
इसको जरा ओपन करें, ये जो विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस ऑप्शन है इसको ओपन करके आगे जो भी आ रहा होगा उसका भी स्क्रीनशॉट अगर सेंड कर सकते हो तो कर दें, फिर मैं देखता हूँ क्या आता है। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल वो भी पूछें। जी ठीक है, मैं सिंपल सा दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास एंटीवायरस है तो आपने उसको बंद कर देना है, ठीक है, उसकी वर्किंग को क्लोज कर देना है। अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो विंडोज़ का अपना एंटीवायरस होता है, वो क्या है, विंडोज़ डिफेंडर के नाम से, ठीक है। ये देखें मैं इसको खोलता हूँ तो ये विंडोज़ सिक्योरिटी सेटिंग खुल गई, ठीक है। इस तरह का कुछ भी खुल जाए सिक्योरिटी के नाम से अगर खुल जाए तो ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं इस पर गया वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर, अब देखें ये सारा मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये मैं मैनेज सेटिंग्स में गया, अब मैं इसमें ये देखें जाके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के यानी कि फर्दर मैनेज सेटिंग्स के अंदर जाके आपने ये तीन चीज़ें क्लोज करनी है। यहाँ तक किसी को ना समझ लगी हो, जी एंटीवायरस जिस तरह क्लोज करेंगे उसको ऑफ करेंगे कि उसको जब नीचे ना ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे देखें स्क्रीन अगर मेरी शेयर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एंटीवायरस का ना आ रहा होगा, ठीक है। इनमें से एक आइकन होगा एंटीवायरस का, मैंने मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो इस तरह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आपके कंप्यूटर में है तो यहाँ पे एंटीवायरस है यानी कि यहाँ पे शोर होगा उसका। अगर यहाँ पे भी शोर नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे सर्च बार के अंदर उस एंटीवायरस का नाम लिखना है, उसको ओपन करना है तो वो सामने एक इस तरह का ही खुल जाएगा। तो वहाँ पर ऊपर आपकी ऑप्शन यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं तो सामने नज़र आ जाता है आपको कि कहीं पर ऑफ का ऑप्शन होगा, कहीं पर इसको कहना लेते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे उसको बंद करने के, तो वहाँ पर आप उसको आसानी से अपने एंटीवायरस को ऑफ कर सकते हैं। सुबह से डाउन, अच्छा जी सहर साजिद आपका डाउनलोड करने में मसला आ रहा है, आप किस पे डाउनलोड कर रही हैं? जी नूरुन्निसा, कल की वीडियो जो मैंने बताई थी वो सिर्फ यही थी, जो मैंने ग्रुप के अंदर एक वीडियो सेंड की है और कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड की हैं वही चीज मैंने सारी बताई थी, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और उसको वीडियो को देख देख के इंस्टॉल करना है उसको, बस यही बताया था कल और कुछ भी नहीं था। ये नादिया खान आपने क्या भेजा, ये ओपन ही नहीं हो रहा, दोबारा से भेजें। अच्छा आमिना बशीर, डाउनलोड डायरेक्टली कर ली है और अच्छा नहीं, डाउनलोड करने के बाद सिर्फ काम नहीं कर रहा। अब देखें जी, डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करने में क्या फ़र्क है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने अपने घर में चलें फ्रिज लगानी है, ठीक है, आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट गए, आपने फ्रिज परचेज करनी है, आपने कोई अच्छी से फ्रिज देखी वहाँ से ख़रीद के आप घर ले आए, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं डाउनलोडिंग। मसलन आपने इंटरनेट से देखा उसको अपने कंप्यूटर के अंदर आपने उसको डाउनलोड कर लिया, इस चीज़ को कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। अभी काम नहीं कर रही है, आपने फ्रिज ला के भी रख दिया, बस अब क्या करेंगे उसका डब्बा खोलेंगे, पैकिंग खोलेंगे, उसका जो स्विच होगा आपने उसको प्लग यानी करना है उसके अंदर, ठीक है। अब क्या यानी कि प्लग को स्विच के अंदर करना है तो फिर उसको जब स्टार्टिंग करेंगे प्रॉपर तब वो क्या नाम लेते हैं अपना काम स्टार्ट करेगी। तो यही चीज़ है डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग में कि बाहर से आप चीज़ घर ले के आते हैं उसको कहते हैं डाउनलोडिंग, लेकिन जब उसको आप प्रॉपर उसकी यानी कि अनपैक करते हैं उसको और उसको क्या नाम लेते हैं स्विच के साथ लगाते हैं, उसको सप्लाई मिलती है, तो ये चीज़ होती है इंस्टॉलेशन, ठीक है। इस चीज़ को इंस्टॉल कहते हैं, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपके कंप्यूटर में पड़ा है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है। जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो
वो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए वो मैंने वीडियो सेंड की थी, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री नहीं होते, ये अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये फ्री नहीं होते, ये ट्रायल पे होते हैं 7 दिन का 14 दिन का, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर काम करना छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, कुछ होते हैं कहने लेते हैं काम करते रहते हैं आमतौर पर, वो लग जाता है जुगाड़। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब इसको डाउनलोड करते हैं तो हमें इसको क्रैक करना होता है। क्रैक इसलिए कि क्योंकि हमने फ्री यूज़ करना है, तो लाइफ टाइम फ्री करने के लिए जो मैंने वेबसाइट बताई थी वहां से डाउनलोड करना है उस वीडियो के जरिए, वीडियो को देख देख के उसको डाउनलोड करके आपने वो क्रैक वर्जन है, ठीक है, उसको फिर वहां से ही आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता क्रैक करना है, उसको देख के उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्रैक होगा और आप लाइफ टाइम यूज कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद शहर साजिद आपको रिप्लाई दे तो दिया, मैंने बता तो दिया। जी हाफिजा मरियम वहीद, ये मसले आ रहे हैं इस वजह से बस यहाँ पे टाइम लग रहा है। जी रियल टाइम प्रोटेक्शन भी ऑफ करनी है। जी मेहरून निसा, आपके पास फोटोशॉप CS6 है तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, टूल सबके सेम होते हैं। आपके पास अगर इलस्ट्रेटर है शहर साजिद तो आपको फोटोशॉप करना पड़ेगा, अगर आपने करना उसको रिलेट करना तो वो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, कुछ उसके जो हैं वर्किंग वो सेम है। अच्छा अगर आपके पास पहले ही अडोब फोटोशॉप है किसी के पास, तो दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप वही वर्जन इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। मैं इधर मैसेज काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं इनके जवाब दे दूं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज की वर्किंग। जी ये नादिया खान है, आपके सामने ही है कि आपकी ये फाइल है तो ये ओपन नहीं हो पाएगी यहाँ पे, आप इस तरह करें मुझे व्हाट्सएप कर दें अगर हो सकता है तो स्क्रीनशॉट उसका। अच्छा जी इंस्टॉल करने का जो तरीका है ना और डाउनलोड करने का तरीका, मैं आपको दोबारा वो मैं इसके अंदर ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा, अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं दोबारा, मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या काम है, यानी कि क्या क्या होता है, क्या क्या करना है फोटोशॉप के अंदर, किस तरह हम स्टार्ट करेंगे आज। तो ये लेक्चर के एंड पे पूछेगा कोई सवाल होगा किसी का, ठीक है, आप देख लें। अगर आपने क्या नाम लेते हैं इसको नोट करना है तो आप पेजेस पे कर लें, रजिस्टर पे कर लें, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे, बाद में वीडियो देखकर समझ लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं, मैं फोटोशॉप खोल लूँ ज़रा। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, जी फ्रा चेकसम एरर आपको कब आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? अच्छा जी एक्सेप्ट करके पासवर्ड वगैरह लगा लीजिएगा उसका, उसका पासवर्ड 123 होगा, जब उसको एक्सेप्ट करेंगे वीडियो को देख देख के आपने उसको इंस्टॉल करना है, उसकी उसके अंदर पैच फाइल होती है, पैच फाइल को आपने अटैच करना है। अभी कोई भी परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा, मैं आज दोबारा ग्रुप के अंदर आपको बता दूंगा कि किस किस तरह करना है, क्या क्या करना है, ठीक है।
अब देखें जी, मैंने फोटोशॉप ओपन किया, ठीक है। अब आपके सामने ये शो हो रहा है ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक ये ग्रे, डार्क ग्रे जो है ये आपको स्क्रीन शो हो रही है। आपने क्या करना है, फर्ज करें आपने क्या नाम लेते हैं ड्राइंग बनानी है, मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, आपने ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके पास कार्डबोर्ड होना चाहिए या चार्ट पेपर होना चाहिए या किसी भी साइज़ का पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में जाएंगे अपनी वो ख़रीदेंगे, ठीक है, चार्ट पेपर या कोई भी पेज। अब सेम इसी तरह ही हम फोटोशॉप में भी जब कोई भी अपना वो बैकग्राउंड चूज़ करते हैं या कोई भी चूज़ करते हैं कि जिसके ऊपर हमने काम करना है, कोई शीट जिसको कैनवस कहते हैं, ठीक है, वो हमने जब अगर उसको चूज़ करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी मर्ज़ी के साथ, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ अगर चीज़ बनानी है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग साइज़ होता है, ठीक है, हमने उस साइज़ के हिसाब से हमने अपना कैनवस जो है वो बनाना होता है। मसलन मैं कहता हूँ अगर मुझे आईडी कार्ड बनाने का क्या नाम लेते हैं कोई टास्क मिला है, तो मैं पहले देखूंगा कि आईडी कार्ड का साइज़ कितना होता है, ठीक है, आईडी कार्ड का साइज़ कितना होता है। आमतौर पर 3 उसकी विड्थ होती है 3 inches और 2.5 inches उसकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ और विड्थ का पता ना, विड्थ होती है चौड़ाई और लेंथ होती है हाइट उसकी, ठीक है। जी अरीब फातमा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं, अरीबा फातमा स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई, ये ऐसे ही मैंने खुद ही रखी है, यानी कि फोटोशॉप अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि आपको जब शुरू करेंगे तो इस तरह आपको दिखेगी, ठीक है। आगे करते हैं क्या क्या करना है। अब कहाँ पर था मैं, जी इसको क्या नाम लेते हैं, आपने क्या नाम लेते हैं, देखना है कि मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। मसलन मुझे अगर टास्क मिला उसका कार्ड बनाने का, ठीक है, आईडी कार्ड या स्कूल कार्ड या कोई भी कार्ड बनाने का, तो मैं क्या करूँगा कि उसका साइज़ देखूंगा एक अपना कार्ड पकड़ के, ठीक है, आमतौर पर जो साइज़ होता है, या मैं गूगल पर सर्च करूँगा, ठीक है, कि कार्ड का जो जो यूनिवर्सल साइज़ है वो कितना है, ठीक है। अगर आपने ब्रोशर बनाना है, ठीक है, या पैम्फलेट बनाना है, तो आपने क्या करना है कि या तो अगर आपके पास पहले से कोई मौजूद है एज अ सैम्पल, तो आपने उसका साइज़ मैयर कर लेना है इंचज के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो आपने गूगल कर लेना है उसका साइज़, यानी कि आपने कह लेना है कि आपने यूनिवर्सल जो पैम्फलेट साइज़ है वो कितना होता है, ठीक है, कार्ड साइज़ कितना होता है। अगर आपके पास ये कोलगेट की पैकिंग जो होती है, कोलगेट की या किसी भी और टूथपेस्ट की, अगर आपको पैकिंग बनाने का कोई टास्क मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि अब उसका भी अलग अलग साइज़ है, उसके हर कोने का अलग, यानी कि हर उसके साइड का अलग अलग साइज़ है, ठीक है। तो अब उस साइज़ को मेजर करना है, ये ना हो कि आपने कोई अपने से वो 10 इंच चौड़ा आपने वो रख दिया, उसकी हाइट रख दी है 20 इंच, उसकी वो विड्थ रख दी है, तो वो अजीब सा साइज़ बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें जी, आपने अपने कैनवस देखना है कि आपने कौन सी चीज़ बनानी है, उसके हिसाब से अपना कैनवस रखना है। मसलन मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक पोस्ट बनानी है स्क्वेयर शेप में, चलो मैं कहता हूँ मैंने कार्ड बनाना है, ठीक है। अब कार्ड के अंदर उसका साइज़ मैंने बताया था आपको कि 3 inches उसकी जो थी वो विड्थ थी और 2.5 inches जो थी उसकी हाइट थी। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपने जब ये सामने शो हो रही है स्क्रीन जो आपको, ये अभी स्टार्टिंग है, अब आपने अपने कैनवस बनाना है। कैनवस बनाने के लिए आपने जब भी इसको ओपन करना है या इसको यूज़ करना है, आपने एक की है वो आप नोट कर लें सब लोग, कंट्रोल एन, ठीक है, कंट्रोल एन, न्यू जिसको कहते हैं, न्यू से कंट्रोल एन। तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपने कंट्रोल एन की यूज़ करनी है। अब देखें मैं कंट्रोल एन यूज़ करता हूँ, अभी एक सामने क्या नाम लेते हैं मेरे, ये देखें जी, ये क्या नाम लेते हैं सामने एक मेरे पास बॉक्स खुल गया। इसके अंदर देखें जी आपको हर एक का एक मैं इंटरफेस देखें सामने कि एक मुख्तलिफ किस्म के ना यहाँ पेजेस हैं, ठीक है, कस्टम पेजेस हैं। मसलन अगर आप पहली बार अगर खोलते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ इतना बनेगा, यानी कि आपको ये चीज़ एक मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर अगर एक बंदे का कारोबार है कार्ड्स बनाने का, वो क्या करेगा, एक ना अपनी मर्ज़ी से ना एक साइज़ चूज़ करेगा और यहाँ पे सेव करवा देगा, ठीक है। अब जब भी वो अपनी फ़ोटोशॉप खोलेगा ना, वो बस यहाँ पे क्लिक करेगा अपने 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 मनपसंदीदा पेज पे, वो उस पेज पे चला जाएगा और अपनी एडिटिंग या डिज़ाइन करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि हमने इसमें से यूज़ नहीं करना, अब इससे पहले एक और चीज़ देख लें, ये सेव देख लें, यहाँ पे सेव के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ मैंने कुछ भी इसमें सेव नहीं किया हुआ, मेरे पेजेस जो थे इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं सेव आ रहा, ठीक है। अब अगर आपने फ़ोटो बनानी है, ये फ़ोटो के लिए मुख्तलिफ उसके क्या नाम लेते हैं साइज़ हैं, मसलन ये आपने पोर्ट्रेट बनाना है, पोर्ट्रेट का साइज़ ये है, लैंडस्केप बनाना है उसका साइज़ ये है, लैंडस्केप मुख्तलिफ किस्म के होते हैं,
एक 10x8 का है, एक 3x2 का है, एक 6x4 का है, एक 7x5 का है। इसका मतलब क्या होता है, 3x2 का क्या मतलब है, 3 इंचज उसकी विड्थ है या हाइट है, विड्थ है और 2 इंचज उसकी लेंथ है, ठीक है। ये IN का मतलब है इंचज, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ साइजेज हैं, ये पोर्ट्रेट के 3 साइजेज हैं और लैंडस्केप के 4 साइजेज हैं, ठीक है। अब देखें उसके बाद अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कुछ करना है तो ये देखें हर पेपर का अलग है। ये A4 पेपर है जो आमतौर पे हमारे पेपर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये A4 पेपर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका A4 पेपर खुल जाएगा साइज का, तो उस पर आप कुछ भी अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको उस हिसाब से प्रिंट करना पड़ेगा। इसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। आर्ट के लिए आपने जी ये देखें पिक्सल्स के अंदर इसने दिया हुआ है, PX का मतलब है पिक्सल्स, तो ये 1000 × 1000 पिक्सल्स। मतलब आप मूवी देखते हैं ना तो 720 पिक्सल्स, ठीक है, वो अच्छी होती है। 480 देखें वो उससे ज़रा गंदी होती है, यानी कि उस दिखने में। अगर उसके बाद देखें 1080 तो वो अच्छी होती है, उसके बाद 3D आ जाती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आपकी जो पूरी स्क्रीन होती है, जो सामने शो हो रही है, ये छोटे छोटे डॉट्स के साथ मिलकर स्क्रीन बनती है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि 1000 × 1000 पिक्सल्स का क्या मतलब है कि आपकी हाइट जो है और विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल्स की है, ठीक है। ये 2000 पिक्सल्स उसके बड़ा है, ठीक है। अब देख ये देखें इंचज के अंदर है, 18x24 इंचज, ठीक है। तो हर एक का साइज यहाँ मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखें वेब के लिए अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, ठीक है। अब देखें वेब के लिए ये मुख्तलिफ उसके साइजेज हैं, ठीक है। अब हर साइज के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपने जी कुछ शो करवाना है, देखें जी आईफोन के लिए ये है, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए ये है, ठीक है। अब हर एक के लिए अलग अलग आपके पास एक साइज दिया हुआ, ये आसानी कर दिया है फोटोशॉप वालों ने, ठीक है। पुराने वर्जन में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फिल्म और वीडियो के लिए कुछ आपने डिज़ाइन करना है तो वो ये चीज़ है, ठीक है। 1920 × 1080 पिक्सल्स, ठीक है। ये हर ये सारी जो साइजेज हैं ये फिल्म एंड वीडियोस के लिए हैं, ठीक है। मसलन इसके ऊपर अगर आप अपने साइज़ के मुताबिक कुछ बनाएंगे तो वो आप वीडियोस और फिल्म्स वगैरह के लिए आप उसके अंदर उसको एम्बेड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। चलें आप अपनी मर्ज़ी से हम करते हैं कि जी आज हम चलें A4 साइज़ के ऊपर काम कर लेते हैं। मैं मोबाइल प्रिंट पर गया A4 साइज़ पर जी, अगर मैं करूँगा तो A4 साइज़ मैंने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पर ना विड्थ जो है वो उसकी 210 है और हाइट देखें 297 है, यहाँ पे भी शो हो रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो रेजोल्यूशन है 300 रेजोल्यूशन है। मसलन ये कह सकते हैं कि जी रेजोल्यूशन उसका, अब मोबाइल का अगर रेजोल्यूशन देखें आप तो क्या होता है कि अच्छे से अच्छा मोबाइल का कितना रेजोल्यूशन होगा, वो जितने ज़्यादा पिक्सल ज़्यादा होते हैं उतना अच्छा रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे कलर मोड है RGB, RGB मतलब है कि हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। आप रेनबोज देखते हैं, रेनबोज अगर आपने देखी हो तो उसमें ये है कि 7 कलर्स होते हैं, वो जो प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जो 3 कलर्स हैं ना उनके साथ मिल मुल के नए नए कलर्स बनते हैं, 1000 कलर जो बनते हैं वो इन 3 कलर्स जो यानी कि बेसिक कलर्स हैं वो रेड ग्रीन ब्लू हैं, ठीक है। अच्छा जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ग्रीन और येलो को अगर मिक्स किया जाए, ब्लू और येलो को अगर मिक्स किया जाए तो कौन सा बनता है कलर? अच्छा जी रेड और येलो को, जी ठीक हो गया। ब्लैक और रेड को, जी मैरून बनेगा अगर उसकी तादाद ज़्यादा हो, यानी कि मकदार जो है वो उसकी ज़्यादा हो, इस वजह से बनेगा। ग्रे तब बनेगा अगर आप एमन ग्रे तब बनेगा जब आप ब्लैक के अंदर आप वाइट कलर ऐड करेंगे तब ग्रे बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या नाम लेते हैं, ब्लैक कलर जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ठीक है। वाइट कलर जो है वो सबसे क्या नाम लेते हैं उसकी जो एक अगर आप ग्राफ देखेंगे ना यहाँ पे, अगर आप हम इसको करते हैं स्टार्ट करते हैं तो कलर्स का मैं बताता हूँ कि किस किस तरह उसको चूज़ करना है, क्या क्या करना है। तो अभी हम देखें जी A4 साइज़ के बारे में हमने काम करना है। अब मैं देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वो चेंज हो गई है सारी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है।
A4 पे काम करना है तो इसके सारी स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई हैं। अब जी मैं क्रिएट करता हूँ, इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं आप, ये कोई भी क्या ना लेते हैं वो समझने समझ लेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं है। जो काम है ना बस वो यही है कि आपने साइज अपना अच्छा सही रखना है बस, ठीक है। अब देखें जी, इसको मैंने क्रिएट कर दिया, क्रिएट किया तो मेरी ये सामने जी विंडोज़ खुल गई है। अब देखें जी A4 साइज़ के ऊपर ये होता है, ये आपके A4 साइज़ पेपर है, आपने जो भी काम करना है सारा इसके ऊपर करना है। सही सही है ना इम्तियाज, आप फाइन आर्ट्स के थ्रू ने तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइंग्स वगैरह का पता होगा। जी जी बेसिक कलर्स 5 हैं, लेकिन क्या नाम बताते हैं जो फोटोशॉप के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, वो बेसिक 3 कलर्स जो हैं वो रेड ग्रीन ब्लू हैं, ठीक है। इनसे मिला के क्या नाम लेते हैं आगे कलर्स मुख्तलिफ बने हैं, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर से तो वो कुदरत एक अलग चीज़ है और ये कुदरती चीज़ नहीं है, तो इंसान की मसनू बनाई हुई चीज़ है, तो इंसान एक लिमिट तक रहता है, ठीक है। तो लिमिटेशन आए इंसान के, तो इंसान की लिमिटेशन बस यही है कि हम रेड ग्रीन और ब्लू से मिला के उन्होंने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना लिया होगा, तो उसके ऊपर ही हमने काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने सारा काम करना है आज। आज इसके ऊपर मैं इसका क्या करता हूँ, आज हम एक काम करते हैं, हमने दो चीज़ें आज सीखनी है, एक चीज़ हमने सीख ली है, दूसरी चीज़ ये एक चीज़ सीख ली है, वही चीज़ क्या है कि हमने अपना कैनवस सेट करना सीख लिया है, ठीक है। किसी को समझ नहीं लगी तो अभी पूछ ले, हमने अपना कैनवस बनाना सीख लिया, अपना पेज शीट या चार्ट वगैरह जो भी हमने जिसके ऊपर काम करना है हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी बता दे अभी। जी सर साजिद क्वेश्चन करें। जी सायरा कायनात का अच्छा सवाल है कि अगर आपने एक साइज अपना चेंज अपना रख लिया आपके पेपर का या अपने कैनवस का, तो आप बाद में अपना साइज नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अगर मैंने इसका साइज़ A4 रख लिया है तो इसका मतलब यही है कि अगर मसलन मैं कहता हूँ कि मेरी मैंने कोई इसके अंदर पिक्चर्स लगाई हैं, इस तरह कोई चीज़ लगाई है, तो आपने क्या करना है कि इसी के अंदर ही रह कर बनाना है। मसलन अगर अगर आपके पास गलती होगी, मसलन मैंने A4 साइज़ का पेपर ले लिया है, मैं कोई ऐसी चीज़ मैं ड्रॉ कर दी है कि जो इससे बढ़ रही है, ठीक है। इसे अगर मैंने क्या नाम लेते हैं, अगर इसे साइज़ बढ़ रहा है तो आपको जो ये पेपर है ये इतना ही रखा जाएगा, ये पेपर नहीं आपका चेंज होगा, ठीक है। आपको अगर गलती होगी आपसे तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको दोबारा से नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। जी बिल्कुल महनू निसार सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी इलस्ट्रेटर में क्यों कार्डबोर्ड का साइज चेंज हो जाता है? जी बस ये फ़र्क है ना, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का काफ़ी फ़र्क है, तो इस वजह से जो बेसिक सी चीज़ें हैं कुछ, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग स्पेसिफिकेशन हैं, तो कुछ चीज़ें डिफरेंस डिफर करती हैं। फोटोशॉप ज़रा पुराना है और वो जो है क्या नाम देते हैं इलस्ट्रेटर जो है वो ज़रा इससे अच्छा है, और कुछ अच्छा कह रहे यानी कि दोनों पे काम हो जाता है, ठीक है। कुछ को इलस्ट्रेटर पे काम करने का मज़ा आता है, कुछ को फोटोशॉप पे काम करने का मज़ा आता है, वरना ऐसे भी पाए पाए के सॉफ्टवेयर हैं वो जो डिज़ाइनर्स हैं जो कोरल ड्रॉ पे काम करते हैं, ठीक है। जी हाफिज़ा मरियम वहीद, मैंने बताया था कि जो पुराने वर्जन हैं ना उनमें ये चीज़ नहीं थी कि आप जो पहले से ही जो ये पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना इनके ऊपर शो होती है ये चीज़ कि आप यानी कि सॉफ्टवेयर ने जो पहले से दी होती हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन होती हैं जो, तो आप अपना क्या नाम लेते हैं वो जब कंट्रोल एन करेंगे ना तो सामने एक जो नई जो बॉक्स खुलेगा उसमें आप आराम से अपना अपनी मर्जी से कुछ भी आप कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है अपना कैनवस सेट करने की? जी सारे सादिया यूसुफ, आपको क्या नाम लेते हैं मैं बता देता हूँ, थोड़ा आज हम ज़रा काम कर लें तो इसके बाद एंड पे ना आपको सारा कुछ बता दूंगा जिस किसी का मसला आ रहा है कोई भी, ठीक है। साथ साथ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ तक हो गया सबका क्लियर। अब इसके बाद ही हम क्या करते हैं कि अब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी हो, ठीक है, एक मिनट ज़रा ठहरिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम दुकान पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं अपना कैनवास खरीदने के लिए, या कुछ भी क्या नाम लेते हैं पेपर खरीदने के लिए, तो उसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, वो तो हमने पता लगा ली। अब उसके मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना कलर भी ले सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चार्ट पेपर्स होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के। अब हमने क्या करना है कि अब इस हम चाह रहे हैं कि हमने जी रेड वाले पे काम करना है, चलें हम चाह रहे हैं कि जी हमने उस पर काम करना है येलो रंग के, येलो कलर के ना हमने चार्ट पेपर पे काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा आइडिया इन्होंने दिया है इम्तियाज, आप सही है, शॉप से भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास ना येलो कलर का सॉफ्टवेयर, येलो कलर का हमारे पास पेज हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, चेंज करने के लिए हमारे पास कलर्स चाहिए। अब कलर्स कहाँ से आते हैं, ये दो जो है ना डब्बे, ठीक है, ये सामने ऊपर वाला जो डब्बा है, जो बॉक्स है, ये होता है जी क्या नाम लेते हैं फोरग्राउंड कलर, ठीक है, और ये जो होता है जो इसके नीचे है, ये होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, समझ लग रही है यहाँ तक, ठीक है। इनमें से आप क्या नाम लेते, जी हिना इम्तियाज और मेहरून ने साथ दोनों की क्या नाम लेते हैं, वो बातें सही हैं, तो आप आपस में मेल के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें इसके ऊपर, अगर आप, मैं दोबारा बता देता हूँ आमने बशीर, देखें जरा से कि स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने ऊपर वाले पे क्लिक यानी कि सिर्फ माउस रखा है अपना, कर्सर रखा हुआ है, तो देखें वो आ रहा है सेट फोरग्राउंड कलर, मैसेज हो गया फोरग्राउंड कलर, और उसके बाद अगर मैं नीचे वाले पे करूँगा तो सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है और ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है। अब फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के चक्कर में आप लोग ना पड़े इतना कि इसको समझने में कि जी फोरग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जी फोरग्राउंड क्या होता है कि पेज का सामने वाला हिस्सा, और फोरग्राउंड होता है पेज के सामने वाला हिस्सा, बैकग्राउंड होता है पेज के पिछला वाला हिस्सा, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जी, हाँ जी, आप ज़ैन ताहिर, आप ये खुद ही खुद सेलेक्ट करते हैं कलर्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो आपका जो फोरग्राउंड कलर होता है वो होता है वाइट, और जो बैकग्राउंड होता है वो आपका होता है ब्लैक। यहाँ पे मैंने इसको क्योंकि पहले काम किया होता है, इस वजह से मेरा वो काम कर करके तो हो गया हुआ है, यही चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है, ऊपर वाला मेरा ब्राउन और नीचे वाला हल्का सा ग्रीन है, इस वजह से वो वाइट और ब्लैक शो नहीं हो रहा, ठीक है, वरना आप यहाँ पर खुद सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, आप लोगों ने आज मैंने एक की बताई है, वो ज़रा बताएं कौन सी की बताई है, शॉर्टकट की, जी ठीक हो गया। अच्छा जी, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से क्या होता है कि हमारा क्या नाम लेते हैं, हम कैनवास अपना बना सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके लिए आपने कलर चेंज करना है, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने येलो बनाना है। अब येलो बनाने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये जी मैंने क्लिक कर लिया। अब देखें जी, ये मेरे पास ये खुल गई है, एक बॉक्स खुल गया, इसके अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें जी, हमारे पास ये कलर्स की एक बार नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास उस कलर्स के मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये है वाइट और ये है ब्लैक, ये भी ब्लैक है, और ये उस कलर का क्या नाम लेते हैं मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। अब उस कलर को मुख्तलिफ क्या नाम लेते हैं उसके शेड्स हैं, मसलन मैं यहाँ पे कलर करूँगा, ये देखें मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस कोने पे मैंने क्लिक किया, तो देखें यहाँ पे इसका ये वाला कलर आ रहा है, मैं जूँ जूँ इसको साइज को यहाँ पे लेता जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा इसको, देखें ये वाइट की तरफ जा रहा है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा
उसका कलर ये ग्रेश हो गया, ग्रेश, ठीक है। मैं इसकी इस तरफ करूंगा तो ग्रे और ये दोनों आपस में मिलके, ग्रे और येलो आपस में मिलके एक और नया कलर बना दिया। यहाँ पे लेके जाऊंगा तो डार्क कलर बना दिया इन्होंने, इसके नीचे जाऊंगा तो ब्लैक कलर मिक्स होना लग पड़ा, सबसे नीचे जी सारा ब्लैक है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको सब कुछ नजर आता रहेगा, ठीक हो गया। अब जी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कलर मैंने चेंज करना, ये जी कलर यहाँ पे चेंज हो रहा, अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करो। यहाँ पे जी अपने कलर को किसी भी कलर पे क्लिक कर लिया, ये जी मैं पिंक के ऊपर करता हूँ, ये है जी पिंक, ठीक है। अब पिंक आ गया, पिंक मैंने अगर डार्क पिंक करना है तो मैंने यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। ये है लाइट करना है यहाँ पे, वाइट करना है यहाँ पे, ठीक है। वाइट और ब्लैक हर एक के साथ होता है, ठीक है। और उसकी उस कलर की मुख्तलिफ वेरिएशन इस हिस्से पे होती हैं, वो मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, ठीक है। अब अपने क्या करना है, यहाँ से मैंने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया, हमने येलो करना था तो जी येलो हम यहाँ पे आके और लाइट येलो, चलें इसको मैंने इस तरह कर दिया, ये वाला येलो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे ये सारा शो हो रहा है, ये इसकी कलर की ना मुख्तलिफ उसकी कोडिंग्स हैं, यानी कि इतने परसेंट है, मसलन ये देखें रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये इतने इतने में है, ठीक है। हर एक का अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक अलग अलग वैल्यू होती है, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आपको एक हैश FFE400 शो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, हर कलर का एक अलग कोड होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर ये कोड है, ठीक है। अब हर एक का अलग अलग कोड होता है, मैं अगर सर्च करता हूँ, मैंने जी अगर आप बनानी है, अगर आपको कोड नहीं पता है, ज़रूरी नहीं है आपको याद ना, आपने याद करना है, ठीक है। हाँ जी कलर टोन्स, अच्छा जी आपने ज़रूरी नहीं है कलर, ये आपको कलर के सारे कोड याद होना चाहिए, हज़ारों कलर तो आपको कहाँ कहाँ याद करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, मसलन मैं जी मैंने ये अपना ब्राउज़र खोला, मैंने सर्च करना है जी मैंने कौन सा कलर रखूँ, ब्लू कलर, चलें जी ब्लू कलर का मैंने देखना है यहाँ पे, ब्लू कलर सिंपल लिखें जी इंग्लिश सीधी सीधी, ठीक है, हेक्सा डेसिमल कोड, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कोड ये देखें जी, अब देखें मुख्तलिफ कलर्स के ना वो ब्लू करवा रहा है, हमने सिंपल ब्लू रखना है, उसका देखें जी ये है कोड मेरे पास। अब देखें मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कोई भी कलर आपने करना है ना, मैं यहाँ पे चले अभी मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से इस कोड को, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, देखें आप खुद ही सिलेक्ट कर देगा जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया कंट्रोल भी, ये देखो खुद ही ब्लू आ गया, ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। ठीक हो गया जी, अब करते हैं हम कलर चेंज करते हैं, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से कोड को, देखें डिफॉल्ट वो खुद ही जब मैं इसको कलर करता हूँ ना, मैं अपनी तरफ से कोई लिखता हूँ, ये देखें खुद ही कलर सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसको जब भी डिलीट करता हूँ ना तो ये खुद ही डिफॉल्ट ब्लैक सेलेक्ट हो जाता है खुद ही, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ना ऑरेंज कलर को ना मैंने जी रखना है, मैं यहाँ लिखूंगा ऑरेंज कलर हेक्साडेसिमल कोड। अब देखें जी ऑरेंज कलर का अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो क्या शो होता है जी हमें, ये देखें जी ऑरेंज के मुख्तलिफ वो उसने बता दिए हैं सामने, उसके शेड्स हैं, गोल्ड शेड है, ठीक है, ऑरेंज है, टोमेटो है, ठीक है। अब देखें ऑरेंज है तो सिंपल मैं ऑरेंज इसको यहाँ पे लिखूंगा, ये इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया, जब कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है, देखें जी ऑरेंज सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, अपनी मर्जी से मैंने कोई सिलेक्ट करना है कलर दूसरा, मैं ऐसे कहता हूँ जी हमने गोल्ड कर लेते हैं, चलें जी ये गोल्ड को मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर लिया, ये देखें जी गोल्ड सेलेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है कलर किस तरह बनाना है, जी ठीक हो गया जी। फोटोशॉप के साथ ओपरा भी यूज करना है, नहीं नहीं जरूरी नहीं है आपने ओपरा यूज करना है, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इंटरनेट से किस तरह सर्चिंग मदद लेनी है, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बताई थी, आपकी सर्चिंग और आपकी क्रिएटिविटी, सिर्फ इन दोनों चीजों का काम है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। आपने कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आती है आपने फटाफट सर्च करने बैठ जाना है, ठीक है, उसका आइडिया लेना है। मेरे पास अगर मुझे वो कोड का नहीं था पता तो मैंने फटाफट इंटरनेट सर्च किया, क्योंकि आजकल ये गूगल ही बुजुर्ग बुजुर्ग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है,
तो फटाफट मैंने जी उसका कलर कर हेक्साडेसिमल कोड लिख लिया, तो वो मुझे कोड दे देगा। अब मैंने वही कोड यहाँ से कॉपी करके अपनी मर्जी से, जी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल से भी मैंने गूगल से किया हुआ है। ओपेरा एक ब्राउज़र है, आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सिर्फ आपने सर्च करना है, सर्च करने के लिए मुख्तलिफ आपके पास वो हैं ब्राउज़र्स हैं, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। चले जी, मैंने ये इसको ओके किया। अब जी अब मैंने सेलेक्ट कर लिया जी, गोल्ड कलर मेरे पास है, ये कोड है उसका, ठीक है। बाकी इस चीज़ को छोड़ें आप, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कोई इसको बहुत दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस जी यहाँ से ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट हो गया इसका, ठीक हो गया। अब जी फोरग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना गोल्ड, ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर जी चलें आप अपनी मर्जी से कोई भी बता दें कि मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ, चैट के अंदर बता दें कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। अच्छा जी पर्पल आ गया। अब मुझे पर्पल का कोड नहीं पता, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पर्पल कलर हेक्साडेसिमल कोड, पर्पल, ठीक हो गया जी। ये आगे क्या आएगा, ये देखें जी पर्पल, पर्पल का क्या आ गया, ये मैंने कोड इसका सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये जी पर्पल सेलेक्ट हो गया। अच्छा जी मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब देखें जी हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो गोल्डन है और बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल है, ठीक हो गया। अब इसको कैनवस पे किस तरह लेके आना है, ठीक है, वो मैं आप दो शॉर्टकट कीज आप क्या नाम लेते हैं लिख लें, इसको नोट कर लें, एक जी कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस, जी, लाइट कलर यूज करते हैं वो, लाइट कलर्स हर जगह नहीं यूज करते, ठीक है, दुबा खान आपको बता रहा हूँ, लाइट कलर्स यूज नहीं करते, हर दफा नहीं यूज करते, ये ना हो के क्या नाम लेते हैं आप गर्मियों में डार्क कलर यूज कर रहे हो या क्या नाम लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो क्या नाम लेते हैं, क्योंकि कलर्स जो हैं वो लाइट्स को अपनी तरफ जज्ब करते हैं। मसलन आप ब्लैक कलर पहन के गर्मी में बाहर निकलें तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो लाइट है वो, क्योंकि गर्मी जो ब्लैक कलर है वो हर चीज़ अपने के अंदर अपने अंदर स्टोर करता है। व्हाइट कलर पहनेंगे तो आप क्या नाम लेते हैं वो ज़रा वो ठंडक देता है व्हाइट कलर। तो इस तरह से मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने जब पोस्ट बनाते वक्त अपने कलर्स के ऊपर कलर स्कीम के ऊपर एहतियात करनी है। अभी हम वैसे ही सीख रहे हैं कि आपने अपना जो जो कैनवास है इसका इसका कलर किस तरह चेंज करना। तो मैंने अपनी मर्जी से ही मैंने दो, यानी कि एक तो अपनी मर्जी से किया और एक आपकी मर्जी से किया, तो बस सिर्फ सीखने के लिए मैंने कहा कि चेंज किस तरह करना है साइज। अच्छा जी दो कीज आप नोट कर लें, एक की है मैं इसके अंदर भी कर रहा हूँ CTRL प्लस बैकस्पेस, ठीक है जी, और मैंने चैट के अंदर भी लिख दी है, और एक है ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, ठीक है जी। हिना इम्तियाज लगता है आपको आती है ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप सीखी है आपने। अच्छा जी अब आप लोगों ने क्या चीज करनी है, दो कीज आप लोगों ने अपने दिमाग में रखने नहीं है जी, ठीक है, अच्छी बात है जी, सही है, कहीं पे गलती करूँ तो मुझे बता दीजिएगा फिर नए इम्तिहास। अच्छा जी अब जी कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस मैंने आपको दो कीज बता दी हैं, ठीक है, ये मैंने प्लस दरम्यान में लिखा है, कीज लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, ये ना कर लेना कि आपने कंट्रोल पहले लिखा है प्लस ढूंढा प्लस दबा दिया फिर बैक स्पेस आ जाए वो कुछ और ही खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी ठीक है राबिया, राबी कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा वाला समझा रहा था आपने, रोटी दरमियान में खोल ली है। अच्छा जी मैं दोबारा आता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस, ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अब जी कंट्रोल बैक स्पेस किस चीज के लिए है और आल्ट बैक स्पेस किस चीज के लिए है, कंट्रोल बैक स्पेस आपकी है फोरग्राउंड कलर के लिए और ऑल्ट बैक स्पेस जो है वो है फोरग्राउंड कलर के लिए। मैं सिंपल मैंने कंट्रोल दबाया और ऑल्ट बैक स्पेस दबा दिया, ये देखें जी
मेरा कलर चेंज हो गया, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस जो है वो बैकग्राउंड कलर के लिए है और ऑल्ट बैकस्पेस जो है वो फोरग्राउंड कलर के लिए है। ठीक है जी, मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी अनडू के लिए है। मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा साथ, इसको याद करना है आप लोगों ने। कल के लेक्चर में पहले शॉर्टकट कीज पूछूंगा मैं। कंट्रोल जी किया मैंने, अपना जी दोबारा वही आ गया। अब मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल बैकस्पेस, मेरा पर्पल कलर आ गया। इस कलर का मैंने कैनवस मैंने चेंज करना है इसको, मैं क्या करूंगा ऑल्ट बैकस्पेस, देखते हैं क्या होता है जी, गोल्डन आ गया जी। ठीक हो गया, फिर दोबारा कंट्रोल बैकस्पेस पर्पल, ऑल्ट बैकस्पेस गोल्डन, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई सबको जी? आयशा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आयशा अनवर अगर आपका नहीं हो रहा तो आप देखें यहाँ पे आपने ये एक लेयर जो है सिलेक्ट की हुई है, इसको सिलेक्ट करके लेयर को आपने काम करना है। ये कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड कलर और ऑल्ट बैकस्पेस से फोरग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लग गई है? अब देखें जी, ये मेरी क्या नाम लेते हैं, मेरा मैं करता हूँ अपने कैनवस को ना उठा कर इधर उधर लेके जाना चाहता हूँ। ये देखें जी, मैं अपने कैनवस पे क्लिक किया मैंने, हाँ उससे पहले जी मेरे जो ये लेयर देखें यहाँ पे, ये है लॉक का साइज, लॉक का आइकन बना होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेयर है ना वो लॉक्ड है। इसको अनलॉक करने के लिए यानी कि इसको हिलाने के लिए आप लोगों ने इसको अनलॉक करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे अपनी लेयर के ऊपर, ओके करेंगे बस, तो जी आपकी जो लेयर है वो अनलॉक हो गई है। अब आप इसको उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, मसलन ये देखें जी, अब देखें ये पीछे डबे डबे क्या है, आपने दीवार देखी है, दीवार का भी दीवार अगर चले अगर क्या नाम होता है कुछ छत अगर देख लें मसलन घर की, तो क्या होता है कि ऊपर सीमेंट वगैरह प्लस्तर वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। अब अगर उस चीज को अगर निकाल दे तो पीछे क्या रह जाता है, वो सरिया वगैरह या ढांचा जो होता है। तो यही चीज है कि आपकी जो दीवार का ढांचा है वो ये है, उसके ऊपर आपने ये सीमेंट वगैरह ऐड कर दिया तो आपके ये सीमेंट ऊपर आ गया, सारा कवर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई सबको, उम्मीद आ गई होगी। किसी को नहीं आई आज के लेक्चर की कोई समझ तो अच्छा, शहर बानो इनके सबके माइक खोल दें, किसी का कोई सवाल होगा तो पूछ लें। आज का लेक्चर यहाँ इतना ही है, कल अब नया करेंगे, देखते हैं अगर आज हमने कलर वगैरह देख करने चेंज करने सीखी हैं, कल हम इसके ऊपर सर काइंडली ये बता दें ये जो ऐप है ये अभी तक लोड ही नहीं हो रही, डाउनलोड हो